बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि फलस्तीन में खून की होली खेली जा रही है, हर रोज लाशें गिराई जा रही हैं, शहरों को जमीन बोस किया जा रहा है, 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, हॉस्पिटल्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। उन्होंने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि पाकिस्तान ने इस्माइल हानिया की शहादत की भरपूर मजम्मत की है, जबकि उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि इस्लामी ममालिक ने इस्माइल हानिया की शहादत की मजम्मत की है। इस दरिंदगी पर दुनिया का खामोश होना लम्हा फिक्रिया है, बैनुल अक्वामी कवानीन को पांव तले रौंदा गया है। फलस्तीन में जो खून की होली खेली जा रही है पिछले 9 महीनों से, हर रोज गजा में लाशें गिराई जा रही हैं, शहरों के शहर और महलों के महल्ले उनको जमीन बोस कर दिया गया है, 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी बशमोल हजारों बच्चों के शहीद किए जा चुके हैं, अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, पूरी दुनिया ने उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है, यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग हुई और रॉकेट के जरिए इस्माइल हानिया को शहीद किया गया। दुनिया अश्कबार है कि इस तरह की दरिंदगी की जा रही हो और दुनिया खामोश हो। मैं समझता हूँ कि ये एक लम्हा फिक्रिया है। इंटरनेशनल जो कवानीन हैं उनको पांव तले रौंदा गया, किसी चीज का लिहाज नहीं किया गया। खबर देंगे आपको, सरबरा हमास इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई, लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में ईरानी सदर, आर्मी चीफ समेत अहम अहदेदारों ने भी शिरकत की, जबकि खवातीन समेत मुख्तलिफ मुकातब फिक्र के लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। शहरियों ने इस्माइल हानिया के पोस्टर, तस्वीरें और फलस्तीनी परचम भी उठा रखे थे। इस्माइल हानिया का जज्द खाकी कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंचा दिया गया है, कल सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया है। अमरीकी अखबार का दावा है आयतुल्लाह खामनाई ने हमले का हुक्म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में दिया। ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला इस्माइल हानिया का बदला होगा। ईरान, यमन और इराक मिलकर लिबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। अमरीकी अखबार इस्माइल हानिया की शहादत का जवाब दिए बगैर चीन चैन से नहीं बैठेंगे, हमास रहनुमा खलील हैया का ऐलान। अमरीकी अखबार ने तेहरान के उस मुबैना मकाम की तस्वीर जारी कर दी है जहां इस्माइल हानिया को शहीद किया गया है। ईरानी अहदेदार ने तस्वीर हमसे शेयर की है, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। मुल्क में सनअतकारों समेत मुख्तलिफ हलकों की जानिब से IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी का मुतालबा सामने आ रहा है, मगर दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में कैपेसिटी के लिहाज से निसफ से ज्यादा IPPs गैर मुल्की या निजी मलकियत नहीं बल्कि सरकार की मलकियत में चलते हैं, जो न सिर्फ कई निजी बिजली घरों से ज्यादा महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं बल्कि सबसे ज्यादा 45% कैपेसिटी पेमेंट भी ले उड़ते हैं। इस हवाले से मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वडाइच की खसूसी रिपोर्ट। IPPs ने मुल्क की मईशत को यरगमाल बना लिया। गुज़िश्ता वर्ष पाकिस्तान में IPPs को 3127 अरब रुपए की अदायगियाँ की गयी, जिनमें से खरीदी गई बिजली की कीमत 1198 अरब रुपए थी, जबकि 1929 अरब रुपए बिजली खरीदे बगैर कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किए गए। दिलचस्प बात यह है कि पैदावारी सलाहियत के लिहाज से 52% IPPs हकूमती मलकियत, सिर्फ 25% निजी और 23% CPAC मंसूबों का हिस्सा हैं। इन IPPs को अदा होने वाली कैपेसिटी पेमेंट का सबसे ज्यादा यानी 45% हिस्सा सरकार, 40% CPAC, जबकि सिर्फ 15% निजी बिजली घरों को जाता है। दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि सरकारी IPPs बहुत से निजी बिजली घरों से ज्यादा महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। नेप्रा की जुलाई 2024 की मेरिट लिस्ट के मुताबिक थर्मल पावर से सस्ती बिजली पैदा करने वाले पहले 20 प्लांट्स में कोई भी सरकारी IPP शामिल नहीं, जहाँ उच्च पावर थर कोल ब्लॉक 1, लिबर्टी पावर, थर एनर्जी और थल नोवा जैसे निजी प्लांट्स गैस और कोयले से 3 रुपए से 5 रुपए फी यूनिट तक बिजली पैदा कर रहे हैं। वहीं सरकार का सबसे सस्ता IPP हवेली बहादुर शाह
RLNG पर 21 रुपए फी यूनिट में बिजली पैदा कर रहा है। इसी तरह LNG पर बिजली पैदा करने वाला बलोकी पावर प्लांट 22 रुपए फी यूनिट, भिक्की पावर प्लांट 23 रुपए फी यूनिट, पंजाब थर्मल 24 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं। कंबाइंड साइकिल पर चलने वाला सरकारी प्लांट नंदीपुर 30 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, सार्फीन ने इन सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स को बिजली खरीदे बगैर 142 अरब रुपए सालाना की अलग अदायगियां की। यूं कैपेसिटी पेमेंट शामिल करके इन प्लांट्स की बिजली 30 रुपए से 42 रुपए फी यूनिट तक पड़ती है। इन पांचों सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स की पैदावारी सलाहियत 5421 मेगावाट है। माहिरीन का कहना है कि सरकारी प्लांट्स का एफिशिएंसी लेवल बहुत से निजी प्लांट से कम है, जिसके बायस इनसे महंगी बिजली पैदा होती है। अभी गवर्नमेंट ने इनकी प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की, जो रिपोर्ट्स आई है मीडिया में, किसका रेट $250 मिलियन से ऊपर लगा ही नहीं। यानी देखें आप, वो देखें कि वो चार बड़े एलएनजी के पावर प्लांट, जिसमें अच्छा उस पर उन्होंने एक बड़े ऑपरेट भी लिखे थे, बड़ी ब्रीफ भी किया था कि ये गेम चेंजर होंगे, ये तब्दीली हो जाएगी। सब लोग कहने लगे यार ये तो जबरदस्त, दो गवर्नमेंट पंजाब के हैं, दो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, कितनी अच्छी बात हो जाए कि जिस प्राइस पे लिए गए थे, काश उसी प्राइस पे तकरीबन $1 बिलियन करीब कहीं सेल हो जाए। अवाम के अदा करदा सरचार्ज से बनने वाला 969 मेगावाट सलाहियत का हाइडल IPP नीलम जेहलम बरसों से बंद पड़ा है। सार्फीन इससे सस्ती बिजली हासिल करने के लिए अपने बिलों में 55 अरब रुपए अदा कर चुके हैं। हाइडल से सस्ती बिजली पैदा करने के लिए लगाए गए दीगर सरकारी IPPs की कहानी इससे भी तश्वीशनाक है। 1410 मेगावाट सलाहियत का तरबेला एक्सटेंशन 4 कैपेसिटी पेमेंट के बोझ के बायस सार्फीन को 21 रुपए फी यूनिट में पड़ रहा है। 81 मेगावाट का मालाकंड 3 कैपेसिटी पेमेंट के बोझ के बायस 28 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहा है, जबकि 720 मेगावाट का करोड़ पावर प्लांट 26 रुपए फी यूनिट से भी महंगा पड़ रहा है। पानी से बिजली पैदा करने वाले इन सरकारी IPPs की बिजली वापटा के हाइडल मंसूबों से कई गुना महंगी है। हुकूमत का काम नहीं है कारोबार करना। इसी तरह जो पावर सेक्टर है, पूरा पावर सेक्टर हुकूमत लेके बैठा हुआ है। 52% पावर प्लांट हुकूमत के, सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हुकूमत की, सारी ट्रांसमिशन कंपनियां हुकूमत की। उसके बाद हम आवाम हैं, हमें बोल रहे हैं कि जो भी उसकी कॉस्ट है वो आवाम पे डाल दो। सितम जरीफी ये कि आम सारिफ सोलर पावर प्लांट से बिजली पैदा करके 19 रुपए फी यूनिट में हुकूमत को फरोख्त करता है, मगर हुकूमत के अपने सोलर IPPs इससे दुगनी कीमत यानी 41 रुपए फी यूनिट तक बिजली पैदा कर रहे हैं। सरकार की मलकियत में चलने वाले न्यूक्लियर IPPs ना सिर्फ सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं, बल्कि दीगर सरकारी IPPs के बरक्स इनका प्लांट फैक्टर भी सबसे ज्यादा यानी 83% है। 3500 मेगावाट के ये 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट सिर्फ 1.5 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली पैदा कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद इन पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट 450 अरब रुपए से जायद है। माहिरीन का कहना है कि सरकारी IPPs को अदा होने वाली कैपेसिटी पेमेंट इन बिजली घरों के मुलाजमीन की तनख्वाहों, ऑपरेशनल अखराजात और बैंकों से लिए गए कर्ज के साथ साथ बद इंतजामी की भी नजर हो जाती है। तो उकदा ये खुला कि IPPs के बायस महंगी बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत को किसी और से नहीं, खुद से बात करने की जरूरत है। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ अदील वड़ाइज, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब करे हैं। मुशर्रफ के जमाने में तो फौजी हुकूमत थी, फौज जिम्मेदार है, तो फिर ये एक दूसरे का तहफ्फुज़ करने लग जाते हैं, एक दूसरे की प्रोटेक्शन करने लग जाते हैं। आपका ये धरना पूरी कौम में ये अज़्म पैदा करने के लिए है कि बहुत हो गया ये लूटमार का निजाम, अब इस निजाम को खत्म करना है, हमें हमारा हक दो। हम तुमसे खैरात नहीं मांगते, अपना हक मांगते हैं। जितने की बिजली बनती है उतने पैसे चार्ज करो, हम इन जालिमों की कैपेसिटी पेमेंट के पैसे नहीं देंगे, हम अपने उसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे। और ये धरना पूरे पाकिस्तान की उम्मीद बना है। हम ये कहते हैं कि तुम तो अपनी गाड़ियां भी छोटी नहीं कर सकते,
कल 3 दिन से जब हमने ये मुतालबा किया है कि वजीर आजम, वजीर आला, गवर्नर, फौज के जनरल और अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे के सारे, एक दिन में ये फैसला हो सकता है कि 1300 cc से ऊपर की कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसमें क्या चीज रुकावट है? शहबाज शरीफ साहब, इसमें कौन सा मुआहदा रुकावट है? नामवर अदाकार सरदार कमाल की नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में टीवी और थिएटर के अदाकारों समेत सैकड़ों मद्दाहों ने शिरकत की। बिलाल अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले मारूफ कॉमेडियन, अदाकार, हिदायतकार और फनकार सरदार कमाल, जिन्होंने अपने काम की तरह फिल्म, टेलीविजन और थिएटर में किए गए काम में भी कमाल महारत दिखाई। 29 जुलाई को वफात पाने वाले सरदार कमाल की मैयत 2 रोज तक सर्दखाने में रखने के बाद शरीफपुरा में उनके आबाई घर पहुँची, जिसके बाद मद्दाहों की आमद का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। इस मौका पर उनके बेटे का कहना था, अदाकार होने के साथ साथ सरदार कमाल बेहतरीन बाप थे, बहुत अच्छे थे और एक बहुत अच्छे दोस्त थे, और उनका बड़ा ही एक शफकत वाला मतलब था हाथ, वो तो मैं बयान नहीं कर सकता कि कितनी मोहब्बत थी उनकी। तो वो दोस्त भी बड़े अच्छे थे, एक फ्रेंडली माहौल रहा हमेशा उनका, रहा हमारे साथ। सरदार कमाल की नमाज जनाजा मदनी मस्जिद बटाला कॉलोनी में अदा की गई, जिसमें टेलीविजन और थिएटर की दुनिया के नामवर फनकारों समेत उनके चाहने वालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कोई एक याद नहीं उनके साथ गुजरा हुआ, एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक सेकेंड, हर चीज़ कीमती है। हमें नजर लग गई, हमारे शो को, हम सबको नज़र लग गई। शख्सियत तो जो है वो आज जनाजे के ऊपर सबके सामने आया हो गई, वो कितने बड़े, कितने नफीस और कितने शरीफ इंसान थे। एज ए इंसान, एज ए एक्टर, एज ए उस्ताद, एक समझ लें कि पाकिस्तान में ना अकेडमी बंद हो गई उनके जाने से। ये फैसलाबाद का कमाल नहीं था, ये पूरी दुनिया का कमाल था। फैसलाबाद ठीक है, उन्होंने फैसलाबाद में उनका जन्म हुआ, फैसलाबाद में उन्होंने अपने फनी कैरियर का आगाज़ किया, लेकिन उन्होंने अपने कान के हवाले से पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। सालों से अजे भी यकीन नहीं हो रहा, सरदार साहब फनकार तो होंगे ही, जो इन्ने बड़े इंसान सन, एडा बड़ा भाई से, असी मैं जिस मकाम पर हाँ बहुत बड़ा आते गए थे। फनकारों का कहना था कि सरदार कमाल की शख्सियत एक दरसगाह जैसी थी, जिन्होंने हमेशा साथी फनकारों की कामयाबी में किरदार अदा किया। सरदार कमाल को उनके आबाई कब्रिस्तान में आहों और सिसकियों के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया।